किसे देख रहे हो? तुम? किसी को नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था यार। जिसे तुम देखने आए हो ना, वो घूमने गई हुई है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। जिसका इयररिंग तुम छुपा रहे हो ना, वो आई थी कल मुझसे मिलने और कह रही थी तुम्हारा पति चोर है, चोर। उसने मेरा इयररिंग चुराया, तुम्हें चोर समझती है, चोर। क्या हुआ, दिल टूट गया तुम्हारा? तुम ठीक हो? बोलो। देखिए ना डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है, और बेहतर ये होगा कि आप इन्हें किसी ऐसी चीज की तरफ ले जाओ जो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इससे अच्छा है कि ये चुप ही रहे। क्या हो गया इन्हें? मरने के बाद पता लगा इसे प्रॉब्लम क्या थी। क्या ये मर गए? लेकिन कैसे डॉक्टर साहब? अरे मैडम, आप इसे परेशान करती होगी बहुत, इसलिए मर गया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इन्हें कभी परेशान नहीं करती, इनका जो मन करता है वो सब करते हैं, जहाँ इन्हें जाना होता है वहां जाने देती हूँ। मैं इन्हें कभी भी परेशान नहीं करती, इनकी सेवा करती हूँ मैं। अबे तू जिंदा है? ये नहीं, मैं मर गया था लेकिन जिंदा हो गया। जैसी मैंने तुम्हारी ये बात सुनी ना कि तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, ये सुनते ही मैं जिंदा हो गया। भगवान से 2 मिनट का टाइम लेके आया हूं मैं कि पहले जी इससे मारूंगा फिर खुद मरूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। और इसके बाद इस मरे हुए पति ने अपनी पत्नी को भी मार दिया, और अब दोनों खुशी खुशी स्वर्ग में रहते हैं।